आज के इस धर्म मंच के आयोजक संचालक ज्योतिष पुंज ग्लोबल फाउंडेशन के अध्यक्ष चेयरमैन अश्विनी गौतम जी, यहाँ पर उपस्थित पहली जो लाइन है कतार, इसके अंदर आदरणीय अनिल बस जी, पंडित लेखराज जी, जीडी बसेस जी, दिनेश गुरु जी, सम्मानित सभी विद्वानगण और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी विद्वान और विदुषियों, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखूंगा कि जो हम सभी ज्योतिषियों को किसी ना किसी दिन ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है कि कुंडली तो हमारे पास बहुत आती हैं और हम बता भी देते हैं और कभी कभी वो तुक्का लग भी जाता सही सही, हम बड़े प्रसन्न होते हैं, फिर कहते हैं कि मुझे तो कुछ पता नहीं था, जो मैं बोल देती हूँ या बोल देता हूँ भगवान का क्या हुआ वो सही हो जाता है। लेकिन हमें बेचैनी होती है, हमें बेचैनी इसलिए होती है कि हम विद्वान होने के बाद और उसके बावजूद भी अगर हमारा तुक्का सही लग गया और हम प्रसन्न हो गए और हमने फीस ले ली, लेकिन अगर आपके दिल में टेंशन है तो वो ज्योतिष नहीं। इसलिए ज्योतिष की नॉलेज होने के बावजूद भी अगर आपकी सटीकता में कहीं कमी आती है तो आप बेचैन होते हैं। मैडम बात बंद कर दीजिए, बात बंद कर दीजिए, क्योंकि यहां सभी सुनने के लिए आए हैं और जब वक्ता बोल रहा होता है और अगर कोई इधर से बात कर रहा होता है तो डिस्टरबेंस होती है और फिर हमारे जैसे जो लोग हैं वो कोई लिख करके तो लाते नहीं है, आप लोग जो प्रश्न हमारे सामने रख देते हैं उन्हीं के ऊपर हमने बोलना होता है, चाहे एक घंटे बोले, चाहे दो घंटे बोले, चाहे तीन घंटे बोले। इसलिए समस्या ये आपकी भी है, अगर आप ज्योतिष करती हैं और आपकी ज्योतिष सटीक नहीं बैठती, आप टैरो कार्ड करती हैं आपका टैरो सटीक नहीं बैठता, आप न्यूमरोलॉजी करते हो आपकी कैलकुलेशन खराब हो जाती है, आप हस्त्रेखा देखते हो आपकी सही सटीक नहीं बैठती है, तभी बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसमें आप लोग ही नहीं होते, हम खुद भी होते हैं। अभी मैं दिल्ली के अंदर एक कुंडली देख रहा था, देखते देखते दो कुंडलियां सामने थी, अब वकील थे दोनों, मैडम भी वकील, उनके साथ दूसरा भी वकील। मैं जब उनसे पूछूं कि तुम्हारी जो कुंडली है सिर्फ एक डिग्री के ऊपर या तो इधर है या इधर है, मैंने कहा मैं पहले 29 डिग्री पे तुम्हारी कुंडली बनाता हूं, फिर घटनाएं पूछूंगा और फिर 29 के बाद एक डिग्री पे लग्न बनाऊंगा तो मुझे बताना कौन सी सही है। और जब मैं पूछने की कोशिश करूं उन दोनों को वो मना कर दे, इधर की बात पूछूं, मैंने कहा तुम्हारे दांत में कोई रूट कैनाल हुई है, बोले नहीं रूट कैनाल नहीं, कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा। मैं कहा दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहा तुम्हारी गर्दन में कोई तिल का निशान है, बोले वो तो सबकी पे होता है। मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा तुम वकील हो क्या, बोला हाँ मैं हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करती हूं। तो कभी कभी ऐसे लोग आते हैं आपके सामने जो आपकी बात को हानि करते, इसलिए आपको दिक्कत आती है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेने वाला हूं जिसमें आप कुंडली को देखते हैं और देखते ही बोलते हैं आहा हा 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 हा, गज केसरी राजयोग। क्या है गज केसरी राजयोग? तुम तो बस ऊंचाइयों को छुओगे, वो भी फूल के कुप्पा हो जाता है और ज्योतिषी को लगता है मैंने सटीक बता दिया। उसने कहा भाई इस गज केसरी राजयोग का मतलब क्या होगा, क्या आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग है, क्या होगा इसका मतलब? और बोलेंगे आप हाथी घोड़े के मालिक होंगे, राजनेता होंगे, बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, संत होंगे, ज्योतिषी होंगे। बोला इनमें तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास तो नौकरी भी नहीं है, इस गज केसरी राजयोग का लाभ मुझे कब मिलेगा?
अब ज्योतिषी की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, वो सोचता है कि ये क्या आफत हो गई। तो आज मैं गजकेसरी राजयोग के बारे में बताऊंगा कि हम लोगों से उसकी प्रेडिक्शन में कहां गलती होती है। आपने मेष लगन देखा और गुरु चंद्रमा को इकट्ठा देखा और आप प्रसन्न हो गए कि गजकेसरी राजयोग। गजकेसरी राजयोग तो किसी प्रोस्टिट्यूट का भी हो सकता है, गजकेसरी राजयोग तो बिन लादेन का भी हो सकता था, गजकेसरी राजयोग तो नरेंद्र मोदी का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, किसी भिखारी का भी हो सकता है। लेकिन इतने फर्क क्यों, आखिर गुरु और चंद्रमा में इतना फर्क क्यों आता है कुंडली के अंदर, आज मैं इस विषय को लूंगा। आप आंख बंद करके गुरु चंद्रमा को देखने के साथ साथ ये ना बोल दें कि आपकी कुंडली में गजकेसरी राजयोग है, आप तो बड़े महान आदमी बनोगे। ऐसा कुछ नहीं होता, आप महान भी बन सकते हो और हो सकता है कि आप बिल्कुल दिवालिया भी हो सकते हो और आपको हो सकता है कोई काम भी ना हो। इसके रहस्य को समझिए। जब आपके सामने कोई कुंडली आती है तो उस कुंडली को बड़े ध्यान के साथ देखिए और उसमें ये देखिए कि लगन कौन सी है। आज मैं आपको पहले बताता हूं मेष लगन। अगर मेष लगन में गजकेसरी राजयोग है तो ये गजकेसरी राजयोग 144 प्रकार का फल कैसे देगा, 144 प्रकार का। मेष लगन यहां पर नवम भाव का स्वामी हो गया गुरु और बारम भाव का स्वामी हो गया गुरु। पारसर जी कहते हैं कि बारम भाव का स्वामी अपनी इतर राशि का फल देता है, यानी वो धनु राशि का फल ज्यादा देगा। इसका मतलब गुरु भाग्येश हुआ और चंद्रमा चतुर्थेश हुआ, यानी चौथे भाव का स्वामी एक नौवें भाव का स्वामी बहुत ही शानदार गजकेसरी राजयोग बनने वाला है। अब मान लो ये लगन में बैठ जाता है, ये गजकेसरी राजयोग लग्नेश लगन के अंदर बैठ जाए और ये गजकेसरी राजयोग डिग्री कली पावरफुल स्थिति में हो, तो इसी गजकेसरी राजयोग में आपको ऊंचाइयां मिलेंगी। आप कह सकते हैं कि इस राजयोग में ताकत है। अब उसका कारण बताता हूं क्यों ताकत है। क्योंकि लगन के अंदर गुरु को दिशा बल मिलता है। लगन में गुरु को क्या मिलता है, दिशा बल मिलता है। चौथे का स्वामी चंद्रमा दोनों मित्र राशि के अंदर बैठ जाएं तो जब इस गजकेसरी राजयोग की दशा चलेगी या ये गजकेसरी राजयोग किसी की लगन के अंदर होगा तो उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी अलग होगी। होनहार विरवान के होत चीखने पात, वो गजकेसरी राजयोग आपको दिखाई देगा, आपके फेस के ऊपर दिखाई देगा। अगर किसी लड़की की कुंडली में है, किसी स्त्री की कुंडली में, तो उसके फेस के ऊपर दिखाई देगा ये गजकेसरी राजयोग की है, इसकी लगन में गुरु बैठा हुआ है। उसका व्यक्तित्व तो बताएगा गजकेसरी राजयोग है। और ज्ञान के फील्ड में, राजनीति के फील्ड में, ऊंचाइयों के फील्ड में, धन के फील्ड में, और बहुत अच्छा मोटिवेट करने वाला व्यक्ति हो सकता है। गजकेसरी राजयोग है, लगन मेष है। और यही गजकेसरी राजयोग अगर दूसरे भाव में बन जाए, वृष राशि का गजकेसरी राजयोग बन जाए, तो जो लगन के अंदर गजकेसरी राजयोग बना था और वो दूसरे भाव में जाते ही गजकेसरी राजयोग अपना फल कमजोर कर देगा। क्योंकि एक तो बृहस्पति वृष राशि में चला गया, अपने शत्रु राशि में चला गया और अपनी एक राशि से वो छठे स्थान में चला गया। लगन में बलवान था, दिशा बल था और वहां से वो अच्छी जगह को देख रहा था, पंचम को देख रहा था, सप्तम को देख रहा था, अपनी खुद की राशि को देख रहा था, अपने मित्र के घर में बैठा हुआ था, उसको बल भी प्राप्त था, चंद्रमा की उसको सपोर्ट थी और केंद्र त्रिकोण राजयोग गजकेसरी राजयोग भी था। लेकिन वृष राशि में जाते ही वहां अपनी राशि से छठे हो गया, शत्रु राशि के अंदर हो गया, कारक स्थान में हो गया और कारको भावनाश। लेकिन चंद्रमा यहां बलवान हुआ। अब ये गजकेसरी राजयोग की दशा चले तो चंद्रमा तो यहां अच्छा फल दे देगा लेकिन बृहस्पति धन का नाश जरूर आपका कर देगा।
बृहस्पति, आप बोलेंगे मेरी कुंडली में तो गज के सी राज हो गए, लेकिन बृहस्पति की दशा में तो मेरा धन का नाश हो गया। बड़े ध्यान के साथ आपको देखना है, और आप फ्री भी हैं पूछने के लिए, आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछेंगे तो मैं बताऊंगा आपको, और उसको साइंटिफिक पूरा की पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर के हैं हम लोग। आपके दिमाग में भी बहुत सारे अनुभव हो सकते हैं, मेरे दिमाग में भी हो सकते हैं, आप जो पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकता हूं, आप मेरे से सीख सकते हैं, मैं आपसे सीख सकता हूं। अब हम इसको आगे बढ़ा देते हैं, गजकेसरी राजयोग को। ऋषि पारसा जी ने सिर्फ गजकेसरी राजयोग की कल्पना करके उसके फलादेश लिख दिया है कि गजकेसरी राजयोग में ऐसा होता है, लेकिन उन्होंने हर लगन के अंदर गजकेसरी राजयोग की क्या व्याख्या वो तो नहीं दी। वो आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब तीसरे भाव में अगर हम चलते हैं, तीसरे भाव में मिथुन राशि के साथ में बृहस्पति की तालमेल नहीं है, थर्ड हाउस में चला गया, बुध के घर में चला गया, और तीसरे भाव के अंदर केंद्र या त्रिकोण का आदमी जाए तो खलयोग चला जाता है, यानी तीसरे और चौथे का कोई, तीसरे के अंदर चला जाए केंद्र का या त्रिकोण का कोई भी ग्रह तो वो जाकर के खलयोग बना देता है। चंद्रमा अपनी राशि से बारहवें भाव में आ गया, बृहस्पति शत्रु राशि में आ गया, गजकेसरी राजयोग बन गया। अब हम बोलेंगे कि आपकी कुंडली में तो गजकेसरी राजयोग है, लेकिन उस गजकेसरी राजयोग का फल क्या मिलेगा आपको? लगन में बैठा हुआ गजकेसरी राजयोग वाला व्यक्ति और दूसरे भाव में बैठे हुए गजकेसरी राजयोग वाले व्यक्ति में फर्क होगा कि नहीं होगा? आप लगाओ मोहर, होगा कि नहीं होगा? ऐसे सम्मेलन होना चाहिए जैसे संसद में कोई कानून पास होता है। वहां पर सब लोग मोहर लगा देते हैं, कानून पास, भाई किसानों के बिल वापस ले लिए या दोबारा लगा दिए। तो ज्योतिष में भी सब विद्वान बैठे हैं, तो इसका मतलब आज के बाद जब आप कुंडली देखोगे तो आप आंख बंद करके कुंडली नहीं प्रिडिक्ट करोगे। ये ध्यान कर लीजिए कि आपने गजकेसरी राजयोग देखा, अरे आपकी कुंडली तो चिंता मत करो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, अरे राजा बनोगे, राजा बनोगे, और वो राजा कहां बनता है बेचारा, उसको नौकरी भी नहीं मिलती है, टीचिंग लाइन की नौकरी तक नहीं मिलती है, उसको परेशान हो जाता है वो, और फिर वो दोबारा हमारे पास आता है, आपने तो बोला था सरकारी नौकरी मिलेगी, पंडित जी कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो अपना बालों को खोजाना शुरू कर देता है, भाई इसमें तो लिखा तो यही है, मैं क्या करूं, सूत्र तो यही कहता है। ऐसा नहीं, क्योंकि आज ज्योतिष बहुत ऊंचाइयों पर जा चुका है, यानी ज्योतिष में इतने शोध हो रहे हैं, इतने रिसर्चेस हैं, इतने सॉफ्टवेयर आ गए हैं, इसलिए इसको हमने और ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाना है। हम तो चाहते हैं कि ज्यादा ज्यादा ऐसे सम्मेलन हो और सब इसी प्रकार के तर्क के साथ सामने सूत्र आने चाहिए। चौथे भाव के अंदर गजकेसरी राजयोग बन गया, चंद्रमा अपने घर में है, चंद्रमा अपने घर में है, बृहस्पति वहां पर उच्च का है, देखिए कमाल का है, बृहस्पति वहां पर उच्च का हो रहा है और चंद्रमा अपने घर में है, और यह गजकेसरी राजयोग चौथे भाव में बनता है। अब इस राजयोग में और लगन के बने हुए गजकेसरी राजयोग में और वृष राशि के अंदर और मिथुन में बने हुए जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। जब चौथे भाव के अंदर गुरु और चंद्रमा बैठे होंगे ना, वो व्यक्ति कभी चुनाव नहीं हार सकता, क्योंकि चौथा भाव जनता का है, चौथा भाव मन का है, चौथा भाव सोच का है। आदमी की सोच इतनी पवित्र होगी, उसके फेस और चेहरे से दिखाई देगा कि ये व्यक्ति बहुत इनोसेंट है, ये डिवाइन सोल है, डिवाइन सोल, क्योंकि कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकता, क्योंकि उसके थॉट प्रोसेस का जो लॉर्ड है वो मून है, और वहां पर बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा है, उसके शरीर में से जो विचार निकलेंगे वो हमेशा पॉजिटिव निकलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कुंडली में ये गजकेसरी राजयोग है, ये पॉलिटिकल राजयोग है। इस राजयोग के अंदर आप चुनाव अपने क्षेत्र में जाकर के वोट ना भी मांगो तो भी जीतोगे,
कितने प्रधानमंत्री ऐसे हुए कि चुनावों में एक बार पर्चा भर के आ जाते हैं, दोबारा जाते नहीं है और वो चुनाव जीत जाते हैं बैठे बैठे। अब यही पंचम भाव के अंदर गजकेसी राजयोग बनता है, सिंह राशि के अंदर बनता है। ध्यान से सुनना, लगन के अंदर जो राजयोग बना था वो भी पॉलिटिकल राजयोग था, ऊंचाइयों को देने वाला था, चौथे भाव में भी पॉलिटिकल राजयोग था। पंचम भाव के अंदर अगर ये राजयोग बनता है तो ऐसा बच्चा एजुकेशन के मामले में पूरा के पूरा अर्थशास्त्री टॉप का हो जाएगा, जबरदस्त ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि वो उसके बुद्धि स्थान पर बना है। ये राजयोग उसका भाग्य से और बुद्धि से बनेगा। बहुत सारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे हुए जो भाग्य से बने, जिसमें राजीव गांधी भी थे, जिसमें इंद्र कुमार गुजराल भी थे, जिसमें एचडी देवगौड़ा भी थे, ये नरसिंह राव भी थे, ये सब भाग्य के सहारे बन गए। और बहुत सारे संघर्ष के साथ बने, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, जिसमें संघर्ष नरेंद्र मोदी साहब ने भी बहुत किया। इनके भी राजयोग हैं, राजयोग तो इनकी कुंडली में भी हैं। महापुरुष राजयोग पांच होते हैं, एक गजकेसी राजयोग होता है। अभी मान लो ये छठे भाव के अंदर गजकेसी राजयोग बन जाए, भाग्य स्थान का स्वामी शत्रु राशि में है, चंद्रमा अपनी राशि से तीसरे है, छठे भाव में दोनों ही निर्बल हो जाएंगे, लेकिन राजयोग तो राजयोग है। चंद्रमा और गुरु की युति तो है, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे हिंदुस्तान में हो। इसका मतलब यह रहा कि ऐसा व्यक्ति राजयोग तो प्राप्त लेगा, लेकिन वो उलझा रहेगा, दुश्मनों से उलझा रहेगा, मुकदमा लड़ता रहेगा, मार पीट मार दाट, यानी गांव का प्रधान, जबरदस्ती, बाहुबली, इस प्रकार की स्थितियों में वो उलझा रहेगा, क्योंकि उसका आईक्यू लेवल, दुश्मनों को कुचलने की नीति, उनसे युद्ध करने की कला, उसमें बड़ा निपुण होता है। इसलिए छठे भाव के अंदर अगर ये राजयोग बनता तो ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े अंग्रेजों से युद्ध लड़ता रहा, ऐसे लोगों से युद्ध लड़ेगा, उनसे जीतेगा भी, क्योंकि उसकी जो दुश्मन को कुचलने की जो डिप्लोमेटिक सोच होती है वो बड़ी जबरदस्त हो जाती है। और अगर यही राजयोग सप्तम भाव में बन जाए तो रॉबर्ट वढ़ेरा को प्रियंका गांधी मिलेगी। उसका कारण यह है कि किस्मत, पत्नी के माध्यम से राजयोग बनते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नियां बहुत ऊंचाइयों पर हैं और वो कुछ नहीं करते, उनके माध्यम से वो चलते हैं। आपकी पत्नी बहुत अच्छी होगी, चरित्रवान होगी, पॉलिटिकल क्षेत्र में होगी, ज्योतिषी होगी, धार्मिक होगी, बहुत ही एक अच्छा उसका चरित्र होगा, क्योंकि सप्तम भाव तुला राशि है और तुला राशि वासना को रिप्रेजेंट करती है और वासना के ऊपर गुरु और चंद्रमा बैठे हुए हैं। दैट मीन्स उसका जो करैक्टर होगा वो बहुत ही शानदार होगा। इसलिए यहां पर ऐसे व्यक्ति को हम बोल देते हैं कि इसकी शादी कर दो, भाग्योदय हो जाएगा और शादी के बाद ये व्यक्ति ऊंचाई को छूना शुरू होगा। बहुत हैं ऐसे लोग, बहुत हैं ऐसे लोग जिन लड़कियों की, जिन स्त्रियों की कुंडली में अगर लगन के अंदर बृहस्पति बैठा है, बारहवें भाव में बृहस्पति बैठा है, सप्तम में बृहस्पति बैठा है, उनकी मैरिज लाइफ को तो थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है लेकिन उनके चरित्र को खराब नहीं करता। उनके अंदर ज्ञान की आभा अलग दिखती है, उनके फेस के अंदर अलग से डिवाइन फेस दिखाई देता है। और यही राजयोग अगर अष्टम भाव में बन जाए, अब देखिए बड़ी विचित्र बात है यहां पर, अष्टम भाव में अगर यह राजयोग बनेगा तो अभी हमारे कर्नल में अपना सीडीएस रावत साहब, वो तो वैसे ही पॉपुलर थे लेकिन उनके साथ जितने लोग उस दुर्घटना में शहीद हुए उन सबको जो अवार्ड मिलेगा वो उनकी मृत्यु के बाद मिलेगा। इस दुनिया में मृत्यु के बाद जो छूते हैं ऊंचाइयों को, मरने के बाद जिनका नाम होता है, वो गजकेसी राजयोग अष्टम भाव का होता है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे इस दुनिया के अंदर, सेना के तो हैं ही,
सेना के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम नहीं जानते थे, और उसके बाद उनको हमने जानना शुरू किया उनके मृत्यु के बाद। अगर यही राजयोग नवम भाव में आ जाए तो आप सुपर भाग्यशाली हैं, फिर आप मिट्टी को भी बेचोगे सोना बिकेगा आपका। आपके पैदा होने के बाद आपके पिता का भाग्य दिन दूनी रात चौगनी ऊपर होता चला जाएगा। पिता भी ऊपर उठेगा, आप भी ऊपर उठेंगे, माता पिता दोनों के लिए आप बहुत भाग्यशाली हो जाएंगे। जिस दिन से आप गर्भ में आएंगे, जिस दिन से गर्भ में आपकी आत्मा का प्रवेश होगा, उस दिन से माँ बाप को ऊंचाइयां आनी शुरू हो जाती हैं। और तभी कहते हैं कि जब से ये गर्भ में आया है हमारे यहाँ तो चार चांद लगने शुरू हो गए। इसी को कहते हैं कि होनहार बिरबान के होत चीखने पात। अगर ये गजकेसी राजयोग इस तरह का बन जाता है और यह ऐसा बच्चा बाहर आ जाता है तो वो लगातार ऊंचाइयों को छूता रहता है, कभी उसका डाउनफॉल नहीं आता, बसरते कि ज्योतिष में किंतु परंतु हमेशा रहती है। गजकेसी राजयोग तो है, भाग्यशाली तो हैं, ऊंचाइयां तो आपको मिल रही हैं, आपको सब कुछ अच्छा हो रखा है, लेकिन मान लो अगर सप्तमेश नीच हो जाए तो क्या करोगे? पत्नी लगातार बीमार रहती है, आप ऊंचाइयों को छू रहे हैं, आप मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, पत्नी का सुख नहीं है। अब राजयोग तो योगी जी की कुंडली में भी होगा पर सप्तम भाव तो पीड़ित है, भाई क्या करोगे आप बताइए? राजयोग तो मोदी जी की कुंडली में है लेकिन मंगलिक कुंडली है, सारे सुख तो नहीं मिलते। इसलिए कोई भी अगर राजयोग बनता है, गजकेसी राजयोग किसी भी प्रकार का बने, ये जरूरी नहीं है कि बाकी चीजें आपको मिलेंगी। ये आपको ध्यान के साथ देखना है, बड़े तसल्ली के साथ आपको देखना है। अगर आप यहां पर गलती करते हैं कि साइकोलॉजिकली किसी के प्रभाव में आते हैं तो बिल्कुल मत आना। आपके सामने